हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अंकिता डिम्बल फ्रॉम अश्वमिक विद्यालय. नाउ एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 5. अगले वीडियो में हमें 1-4 क्वेश्चन किए थे. क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 में एंड एंड इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप स्केटर ऑन द फ्लोर. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle. यहाँ पे फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी में फूड के डिफरेंट शेप है. तो यहाँ पे जो एंट है वो किस फूड के जो शेप है वो उसमें ज़्यादा डिस्टेंस कटेगा या चले, ओके, ज़्यादा एंड चलेगी किस फूड के शेप पे, ओके. तो फर्स्ट है, क्या है, हाफ सर्कल है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, ओके. तो उसका जो डायमीटर हमें दिया है, डायमीटर क्या है, 2.8 सेंटीमीटर. तो हमें डायमीटर दिया है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट रेडियस, फिर यहाँ पे हमें दिया है सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला होता है 2πr, वेर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. यहाँ पे सेमी सर्कल है तो क्या होगा, πr, ओके, हाफ होगा ना, इसीलिए. तो फर्स्ट हम रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस, फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, उसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, और लास्ट में टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एंट. जो डिस्टेंस है, एंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट हम फिगर ए है, ओके, डायमीटर हमारा क्या है, 2.8, ओके, 2.8 सेंटीमीटर है. फर्स्ट हम रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर है 2.8 अपॉन 2, तो क्या होगा, आपको पता है 2.8 यानी 28 अपॉन 10 लिख सकते हैं, और 2 एज इट इज, ओके, 28 यानी 14 टू जार 28, 2 कैंसिल हो गया, 14 अपॉन 10 यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, तो हमें 1 नंबर के बाद पॉइंट लिखेंगे, 1.4 सेंटीमीटर. ये हमारा क्या होगा, रेडियस. अब हम फाइंड करने वाले सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल. यहाँ पे सेमी सर्कल है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर. पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, ओके. और आर हमें रेडियस फाइंड किया 1.4, ओके, 22/7 एज इट इज. 1.4 को हम 14/10 भी लिख सकते हैं, ओके. 14 का फैक्टर क्या होगा, 7 × 14, 7 कैंसिल हो जाएगा. ऊपर की साइड जो है 22 × 2/10, 22 × 2 क्या होगा, 44 × 10 यानी 4.4 सेंटीमीटर होगा, ओके. अब हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एंट. तो ये इस शेप में एंट ने कितना कवर किया डिस्टेंस, तो फर्स्ट सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, फिर डायामीटर, ओके, तो उसका हम एडिशन करेंगे,
सर्किल ऑफ सेमी सर्कल, ओके, सर्किल फेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर। तो यहाँ पे सर्कम फेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का आंसर हमारा आया 4.4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें डायमीटर क्या दिया है इस फिगर में, सेमी सर्कल एंड डायमीटर 2.8 दोनों का हम एडिशन करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 4.4 प्लस 2.8, ओके, 4 प्लस 8 क्या होगा, 12 होगा, 12 एज इट इज 1 कैरी, पॉइंट एज इट इज 4 प्लस 2 प्लस 1 क्या होगा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, तो हमारा आंसर 7.2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट का आंसर 7.2 सेंटीमीटर होगा। इस शेप में कुछ नहीं करना, क्या करना है, यहाँ पे सेमी सर्कल है उसका हर सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल और डायमीटर दोनों का हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे एन ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। पार्ट बी में क्या है, इस फिगर है, ओके, तो यहाँ पे भी हमें डायमीटर दिया गया है, क्या है, 2.8। तो फर्स्ट हम रेडियस फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, यानी उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर, फिर हमें क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द एन एडिशन करेंगे, ओके। तो पार्ट बी आपको होमवर्क में करना है, इजी है, ए पार्ट के जैसे है, ओके, इजी है। थर्ड पार्ट सी क्या है, इस शेप है, ओके। पार्ट ए का आंसर हमारा क्या आया, 7.2 सेंटीमीटर, और पार्ट बी आपको होमवर्क में करना है, उसका आंसर है 10.2 सेंटीमीटर, ओके। पार्ट सी हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे शेप है, उसकी साइड डी है 2, 2, ये क्या है, सेमी सर्कल, ओके। तो फर्स्ट हम डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ओके, तो यहाँ पे हमें डायमीटर क्या दिया है, 2.8 सेंटीमीटर, ओके, डायमीटर हमारा क्या है, 2.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2, ओके, डायमीटर हमारा है 2.8 अपॉन 2, 2.8 को हम 28/10 लिख सकते हैं, और 2 एज इट इज, 28 का फैक्टर क्या है, 14, 2 सा 2, 2 कैंसल, 14/10, तो आंसर हमारा क्या है आएगा, 1.4 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ पे भी सेमी सर्कल है ना, ओके, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्या है सेमी सर्कल का फॉर्मूला, पाई आर, पाई की वैल्यू हम पुटअप करेंगे 22/7, एंड रेडियस हमको मिला है 1.4 सेंटीमीटर, 22/7 एज इट इज, 1.4 को हम 14/10 लिख सकते हैं, 14 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7 कैंसल, 22/10, तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 44/10 यानी 4.4 सेंटीमीटर। लास्ट हम क्या करने वाले हैं, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द एंड, तो क्या होगा, सर्कमफेरेंस, ओके, तो यहाँ पे साइड क्या है, 2 + 2 + सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कल का आंसर 4.4, फिर डायमीटर 2.8, एडिशन करना है 2 + 2, डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का एडिशन करना है, यहाँ पे 2 साइड दी है 2 + 2,
फिर सर्कमफेरेंस का आंसर, सेमीसर्कल का आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमें फाइंड किया है 4.4। ओके, और हमारा डायमीटर क्या है? सॉरी, यहाँ पे हमें बाउंड्री है ना, तो इस शेप में एन ने अराउंड किया, तो यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे जो सेमी सर्कल है वो हमें फाइंड किया है सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो हमारा आंसर 4.4 होगा, यानी 2+2 और इसका आंसर 4.4 है। तो हम ऐड करेंगे 2+2+4.8, तो तीनों का हम एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या 2+2 4 होगा, 4+4.4। तो एडिशन हम कैसे करेंगे, 4 फिर 4.4, तो क्या होगा, सॉरी 4.4+4 क्या होगा, 4 एज इट इज एडिशन करना है ना, 4 4.4, 4 एज इट इज 4+4 8, आंसर हमारा क्या है 8.4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे ए पार्ट का आंसर 7.2 सेंटीमीटर, बी पार्ट का 10.2 सेंटीमीटर, सी पार्ट का 8.4 सेंटीमीटर। तो 10.2 तीन नंबरों में से ज़्यादा है पार्ट बी इस शेप में, हैंड्स फॉर फिगर बी फुट पीस द एंड वुड टेक अ लॉन्गर अराउंड इस फिगर में। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? तो यहाँ पे ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो फोर साइड होती है उसकी, फोर साइड क्लोज फिगर उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो क्या रेक्टेंगल स्क्वेयर भी फोर साइड उसकी होती है, क्लोज फिगर है? तो ट्रेपेजियम में क्या है, फोर साइड होती है, क्लोज फिगर होती है, और वन पैर क्या होती है, पैरेलल साइड, उसकी जो ए बी और सी डी जो दो लाइन है वो क्या होती है, पैरेलल। ओके, वन पैर ऑफ पैरेलल साइड, ओके, वन पैर उसकी पैरेलल होती है। ओके, और वो अपोजिट होती है। ओके, और नेक्स्ट जो बची हुई दो साइड है वो नॉन पैरेलल साइड होती है। ओके, और दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो पैरेलल साइड है उसमें जो ए बी है वो बेस है और सी डी भी क्या है, बेस है। ओके, तो यहाँ पे बेस वन बेस टू। ओके, पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर कॉल्ड इट्स बेसिस। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन बेसिस इज क्वाड हाइट। ट्रेपेजियम में जो ये होता है ना वो हाइट होती है। ओके, परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये बेस होती है पैरेलल और ये परपेंडिकुलर हाइट होती है। ओके, तो ट्रेपेजियम में हमें इन बातों का हमें ध्यान रखना है, ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं। फिर हमें क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 P1 V2 × height। ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे आया वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, आपको कोई भी एग्जांपल में डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।